फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ। वंदना परिषद के कार्रवाई के दौरान विपक्ष के लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या कारण रहा सर, आप लोग सदन से बाहर निकल? नहीं, जब हमारे एक माननीय विधायक को यदि निलंबन ही कर देगा तो लोकतंत्र की जब हत्या ही होगी तो हम लोग सदन में रह के क्या करेंगे? क्या लगता है कि ये जो एक तरफा जो कार्रवाई, एकदम पूरी तरह एक तरफा कार्रवाई चल रही है, स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, लगातार भ्रष्टाचार को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं, सरकार स्वाभाविक है, लगातार हत्या करना चाहती है सरकार। क्या कहेंगे ये जो निश्चित तौर पे, तो देखिए तस्वीर एक दलित विधायक के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, कौन सी सरकार है? सरकार तानाशाह हो गई है क्या? निश्चित तौर पे कुछ और लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं, कारण ये है कि बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ विधानसभा अध्यक्ष जो है पक्षपात करते हैं, वो कभी भी जो है उनको ना बोलने देते हैं और ना ही माइक में आवाज़ देने देते हैं, यहाँ तक कि सदन के कुर्सी पर बैठकर इशारा करते हैं कि माइक नहीं ये किया जाए। और उसके बाद जिस तरह से पीछे से सत्ताधारी दल के विधायक गाली गलौज तक करते हैं, तो इसका हम एक दलित विधायक के साथ जो अन्याय हुआ है उनको विधानसभा अध्यक्ष ने किसी इशारे पर उनको सस्पेंड किया है, तो हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे। एकदम एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पे जिस तरह से बिहार विधानसभा के सदन के कार्रवाई के दौरान लखिंदर पासवान को लेकर जो है विवाद बढ़ा, और यही नहीं, दो दिनों के लिए जो है निलंबित किया गया है, दो दिन वो सदन नहीं, सदन की कार्रवाई में नहीं शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि देखिए बिहार विधान परिषद से जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वह सभा के पोर्टिको के बाहर जो है वह तस्वीर के माध्यम से देखिए जितने भी MLC और विधायक हैं वह सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि विधानसभा में गुंडागर्दी जो है वह नहीं चलेगी, अपराध भ्रष्टाचार बंद करो, साथ ही अपराध भ्रष्टाचार को लेकर के जो सरकार सफाई पेश करी है कहीं ना कहीं जनता देख रही है, साथ ही साथ कार्रवाई को भी लेकर कहा कि एक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई में कहीं ना कहीं बाधित जो है वह करने को जो है आतुर है। यही नहीं, जब यह सवाल सम्राट चौधरी से किया गया बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष से, तो उन्होंने कहा कि एक पक्षीय जो है कार्रवाई सरकार कर रही है, दलित विधायक के साथ जो है नाइंसाफी सरकार करी है, इसका जवाब तो देना ही होगा। बता दें कि बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है, यह सत्र जो है वह काफ़ी लंबा होता है। हालांकि इस दौरान जो है जनता भी आस लगाई हुई है, जनता की टकटकी जो है सदन की ओर है कि इस बार का सत्र से जो है कहीं ना कहीं भला होगा, लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है सरकार और विपक्ष का नोकझोंक जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार भी जनता को जो है खाली हाथ ही लगेगा, क्योंकि जैसा ये तस्वीर हर दिन सदन से बाहर देखने को मिल रहा है और सरकार आपस में ही नोकझोंक करने में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं उसे कहीं ना कहीं सदन में जो है वंचित जो है वह होना पड़ रहा है। अब देखने वाली विषय होगी कि आगे की कार्रवाई जो है सदन की किस प्रकार से होती है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, धन्यवाद।